हमें पता है हमारा मुल्क अमन का है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें बताना है आप आरएसएस के लोग टेररिस्ट हो, आप टेरर केसेस में हो। इंडिया का सीक्रेट्स बेचा किसने, किसने बेचा? अभी ध्रुव सक्सेना को मध्य प्रदेश में पकड़ा गया, कौन था ध्रुव सक्सेना? क्या मुसलमान था? क्या पीएफआई था? बीजेपी का कार्यकर्ता था। जम्मू में एक लश्कर ए तोयबा कमांडर को पकड़ा गया, कौन था वो? अभी जाके देखने में बीजेपी का आईटी सेल का मेंबर था। अभी मेघालय में पुलिस ने रेड किया, वहां पर एक प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा चल रहा था, छोटे छोटे बच्चियों को प्रोस्टिट्यूशन में डाला जा रहा था। जाके देखने में क्या पता चला, बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है। तो ऐसी एक क्रिमिनल पार्टी, ऐसी एक टेरर केस में इन्वॉल्व होने पार्टी, ऐसी एक संगठन जिसके मेंबर्स दंगे बॉम्ब ब्लास्ट से लेकर मर्डर्स में इन्वॉल्व है, उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। प्रॉब्लम क्या है? नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। नहीं, हमें कैसा पता चलेगा? किताब पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, वो पढ़ने के लिए टाइम नहीं। हमारा टाइम कहां पर वेस्ट होता है? सुबह सुबह को मैसेज आता है, 10 लोगों को फॉरवर्ड करो बरकत आ जाएगा, ऐसे चीजों में हमारा टाइम चला जाता है।